देखें, जुडिशियल सेपरेशन और अगर हम डिवोर्स की बात करते हैं तो जो जुडिशियल सेपरेशन है वो डिफाइन है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में, और डिवोर्स की अगर हम बात करते हैं तो डिवोर्स जो डिफाइन है वो सेक्शन 13 के अंदर डिफाइन है। अगर हम बात करें जुडिशियल सेपरेशन की, जुडिशियल सेपरेशन का जो सबसेक्शन 1 है उसमें लिखा हुआ है, आइदर पार्टी टू मैरिज, कोई भी पार्टी हो सकती है चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वेदर सोलेमनाइज बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट may present a petition praying for decree of judicial separation on any of the grounds specified under subsection 1 of section 13. Section 13 के subsection 1 के अंदर कुछ grounds mention किए गए हैं, उन grounds के basis पे आपको judicial separation की आप decree के लिए आप court के अंदर petition move कर सकते हैं। और अगर wife की अगर बात कर, अगर कोई wife judicial separation की decree court के अंदर present करना चाहती है तो वो subsection 2 के जो grounds mention किए गए हैं उस basis पे भी वो जा सकती है। और अगर कोर्ट को लगता है कि जुडिशियल अगर और सबसेक्शन 2 की अगर बात करें, अगर कोर्ट को लगता है कि जो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है वो पास कर दी गई है और अब कोर्ट को लगता है कि दोनों पार्टीज आपस में साथ में नहीं रहना चाहते और वो दोनों चाहते हैं कि उसकी शादी को एंड अप कर दिया जाए, तो जुडिशियल सेपरेशन की जो डिग्री है उसको रिजाइन भी कर दिया जाता है। और अब बात करें डिवोर्स की, तो डिवोर्स के लिए कुछ ग्राउंड हमारे सबसेक्शन सेक्शन 13 के अंदर बताए गए हैं। सबसेक्शन 1 के अंदर कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे कि अगर शादी के बाद हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज हैज वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी अदर पर्सन हिज और हर स्पाउस, अगर हस्बैंड या वाइफ शादी के बाद किसी भी दूसरे इंसान के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो वो डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। और हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रूरिटी, मतलब अगर हस्बैंड या वाइफ, पिटिशनर का मतलब जो भी पिटिशन मूव करके कोर्ट में जा रहा है, अगर उसके साथ जो भी दूसरा स्पाउस है आइदर हस्बैंड और वाइफ अगर वो उसके साथ क्रुएल्टी करते हैं, क्रुएल्टी किसी भी टाइप की हो सकती है, मेंटल क्रुएल्टी भी हो सकती है, फिजिकल क्रुएल्टी भी हो सकती है, अगर वो क्रुएल्टी से उसको ट्रीट करता है तो उस बेसिस पे भी वो जा सकती है। हैज डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर, अगर हस्बैंड या वाइफ ने दोनों में से किसी ने भी अपने पति को डिजर्ट कर दिया है लगातार 2 साल तक, 2 साल का पीरियड नेसेसरी है इसके अंदर कि डिजर्शन जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 2 साल तक का होना चाहिए अगर जब जिस दिन आप पिटिशन को मूव कर रहे हो कोर्ट के अंदर। और हैज सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन एनी अदर रिलीजन, अगर दोनों में से किसी ने भी अपना जो धर्म है उसको चेंज कर लिया है तो भी एक ग्राउंड है कि आप जा सकते हो। और तीसरा बताया गया हैज बीन इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, हमारी अगर हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें सेक्शन 5 के अंदर कुछ कंडीशंस डिफाइन की गई हैं कि शादी करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा कंडीशन पहले ये है कि साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब आप जिससे भी शादी कर रहे हो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए ताकि वो मैरिज को आगे लेकर के जा सके। अगर उनको लगता है, अगर हस्बैंड या वाइफ को शादी के बाद लगता है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ उसकी जो मेंटल स्टेट है वो इस तरीके का नहीं है कि वो शादी को आगे लेकर के जा सके या शादी एक अच्छी मैरिड लाइफ उसके साथ जी जा सके, तो उस बेसिस पे भी वो कोर्ट के अंदर पिटीशन मूव कर सकते हैं। और हैज रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंट्रिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, और अगर दोनों में से हस्बैंड या वाइफ ने संसार को छोड़ दिया है और वो रिलीजियस किसी चीजों की तरफ चल पड़े हैं तो वो भी एक ग्राउंड है डिवोर्स लेने के लिए, क्योंकि जब भी आप हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी शादी करते हो तो ये दोनों के लिए ऑब्लिगेशन होती है, एक मॉरल ड्यूटी होती है हमारे समाज के अकॉर्डिंग कि आपको अपने पति का और पत्नी को अपने पति का अच्छे तरीके से ख्याल रखना है ताकि दोनों की जो मैरिड लाइफ है वो अच्छे तरीके से चल सके, और जो शादी से अगर कोई उनका बेबी होता है, कोई बच्चा या लड़की कोई भी होता है, उसकी अच्छे तरीके से टेक केयर कर सके। और हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर बाय दोस पर्सन हु वुड नेचुरली बी हैव बीन हर्ड ऑफ इट हैड द पार्टी हैव बीन अलाइव, अगर लगातार 7 साल तक अगर पता नहीं है कि हस्बैंड या वाइफ कहाँ चले गए हैं, मतलब उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ये एक और ग्राउंड हो सकता है कि डिवोर्स के लिए। अब बात करते हैं हम कि अगर किसी इंसान ने जुडिशियल सेपरेशन ले लिया है और जुडिशियल सेपरेशन में दोनों का जुडिशियल सेपरेशन लिए हुए 1 साल ऑलरेडी हो चुका है और अभी तक उनकी शादी का बचने का कोई और चांस नहीं है, तो ये भी एक ग्राउंड है कि वो डिवोर्स के लिए मूव कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर पिटिशन मूव कर सकते हैं। और
अगर सेक्शन 9 की बात करें, सेक्शन 9 में हमारा बताया गया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास हो गई है और उसके बाद भी एक साल के अंदर दोनों के कोहैबिटेशन का कोई चांस नहीं दिखता है दोनों में से किसी भी पार्टी को, तो तब भी वो कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमें डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दीजिए।